ऐसा कितनी बार होता है कि किसी स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करने वाले देश पर बायस्ड होने के आरोप लगे। साल 2002 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी एशियन कंट्रीज दक्षिण कोरिया और जापान ने मिलकर करी थी। ये वर्ल्ड कप भी ऐसे ही विवादों में फंस गया था। हेलो, दिस इज रक्षित एंड आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द वर्ल्ड कप डायरीज। इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से साल 2002 हम सभी के दिलों में यादगार है, क्योंकि इसी साल हमने नैटवेस्ट ट्रॉफी जीती थी जब भारत ने इंग्लैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड रनों का पीछा किया था। इसकी जिंदा तस्वीरें लॉर्ड्स की बालकनी में देखने को हम सबको मिली थी। इसी साल हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के को होस्ट साउथ कोरिया ने सेमीफाइनल में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। बट वॉज इट अ फेयर रन? अपने घरेलू मैदान पर इस वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया की टीम ने उम्मीद से कहीं अधिक अच्छा प्रदर्शन किया। कोरिया ने इतिहास में पहली बार नॉकआउट दौर के लिए क्वालिफाई किया, वो भी तब जब उनके ग्रुप में पोलैंड, यूएसए और पोर्चुगल जैसे देश थे। वो पोर्चुगल जिसमें थे लेजेंडरी लुइस फिगो। ग्रुप के आखिरी मैच में साउथ कोरिया ने पोर्चुगल को शॉकिंगली हरा दिया। राउंड ऑफ 16 में दक्षिण कोरिया की टीम का इटली के साथ सामना हुआ। इटली इस मैच में क्लियर फेवरेट थी। इस मैच में इक्वाडोर के रेफरी बायरन मोरेनो दक्षिण कोरिया के प्रति कुछ ज्यादा ही एहसानमंद दिखे। रेफरी ने मैच के एक्स्ट्रा टाइम में इटली द्वारा किए गए एक गोल को ऑफसाइड कहकर खारिज कर दिया, जो फैसला काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था। मैच के 88th मिनट में रेफरी ने फ्रांसेस्को टॉटी के डाइव को फाउल करार देते हुए उन्हें रेड कार्ड दिखाया। रेफरी के इस फैसले पर विवाद हुआ और आगे चलकर यह मैच के लिहाज में बेहद अहम भी रहा। इवेंचुअली इस मैच को साउथ कोरिया ने सब्स्टिट्यूट आन जंग वान के गोल्डन गोल की बदौलत 2-1 से जीत लिया। वर्ल्ड कप के बाद गुस्सा इतना था कि इटली के क्लब पेरुजिया ने आन जंग वान का कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया को इस बार एक इजिप्शियन रेफरी का सहयोग मिला। इस मैच के रेफरी कमाल अल घंडूर ने बेनिफिट ऑफ डाउट के रूप में स्पेन के दो गोल्स को डिसअलाउ करा। इस मैच में काफी बार स्पेन के स्ट्राइकर्स को ऑफसाइड करार दिया गया। मैच जब पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा तो दक्षिण कोरिया ने यह मुकाबला 5-3 से जीत लिया। वर्ल्ड कप के थोड़े दिन बाद फीफा ने दोनों कॉन्ट्रोवर्शियल रेफरीज को संन्यास लेने के लिए मजबूर कर दिया। बायरन मोरेनो पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे। अ फ्यू वीक्स लेटर घंडूर वॉज सीन ड्राइविंग अ फैंसी न्यू कार, परहैप्स फॉर हेल्पिंग साउथ कोरिया टू एडवांस। बाकी की कहानी तो आप लोगों को पता ही है। जर्मनी ने साउथ कोरिया को सेमीफाइनल्स में हराकर फाइनल में एंट्री की विद अ गोल कर्टसी ऑफ द ग्रेट माइकल बालक। फिर फाइनल में रोनाल्डो का डबल धमाका और कप एक बार फिर से ब्राजील के हाथ में। आपको कैसे लग रहे हैं वर्ल्ड कप स्कैंडल्स? और देखना चाहेंगे? गो टू द व्यू स्पोर्ट यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ब्रिलियंट स्टोरीज। चाओ।